Assalamu alaikum everyone and welcome again. और आज के एक दफा फिर से brand new episode of Trivzia जहाँ पे एक दफा फिर से आप लोग cash prize के लिए, questions के लिए, answers के लिए ये सारा game show जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और आप लोग जो है वो डेफिनेटली से खेलेंगे. So thank you so much each and every person. आप सब के Trivzia को join करने का बहुत शुक्रिया. रोज की तरह आज फिर से जो है आप लोग बिल्कुल तैयार हो गए कि आज एक दफा फिर से हम लोगों ने खेलना है, enjoy करना है और आज के game show को definitely अपने नाम करना है. और वो अपने नाम करना है कि जिसको नाम करने से कोई भी आपको रोक नहीं सकता. आप लोगों का रमजान जो है वो माशाल्लाह बिल्कुल अच्छा गुजर रहा होगा. सुबह माशाल्लाह जो है वो हमारा आठवां रोजा है और सात रोजे आपके बिल्कुल अच्छे गुजर चुके होंगे अभी तक माशाल्लाह. अल्लाह ताला इसी तरह से बाकी आने वाले सारे रोजे जो है आप लोगों के कबूल फरमाए और जो हमारे दूसरे काम होते हैं उनके साथ साथ हम अपने अल्लाह ताला को बिल्कुल याद करते होंगे और करते भी होंगे और अल्लाह ताला और ज्यादा जो है हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपने अल्लाह ताला की इबादत में जो है और ज्यादा मसरूफ हो जाए. सो बहुत शुक्रिया आप सबके Trivzia को ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया. वो क्या होता है कि हम लोग जो है वो अक्सर एक दूसरे को छोटी छोटी बातों पे तनकीद करते हैं और वो तनकीद करना जरूरी भी होता है समटाइम्स. लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप वो तनकीद करने से उसकी इस्लाह होती है तो वो इस तनकीद जो है पॉजिटिवली भी की जा सकती है. जैसे कि मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओपनली किसी को भी जो है वो तनकीद करना शुरू कर देते हैं. तो मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोशिश किया करें कि किसी की दिल आजारी ना हो. हम लोग जो है आजकल हर चीज ओपन है, कोई किसी को रोक नहीं सकता और अभी तो ये वो दौर भी नहीं है कि कोई किसी को कुछ कह सकता हो. अभी वो दौर नहीं है क्योंकि हर एक इंसान की एक अपनी हैसियत होती है, हर एक इंसान की एक अपनी पहचान होती है. तो आज के दौर में कोई किसी की नहीं सुनता. तो हम लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जब भी किसी को कुछ बताना है, सिखाना है या समझाना है उसे ओपनली नहीं, उसे जो है स्पेशली जो है आप लोग कह सकते हैं कि मैंने आपको कुछ बताना है, समझाना है, उस तरह से उसकी इस्लाह करें ताकि उसकी इस्लाह में उसको दिल आजारी ना फील हो. बाज़ुकात हम लोग फ्रेंड्स जो है वो ग्रुप्स में बैठे होते हैं और हम लोगों ने क्या करना होता है, अगर किसी को समझाना होता है तो सबके सामने कह देते हैं. उससे क्या होता है कि उसको समझ तो आ जाती है लेकिन वो फील करता है कि यार मेरी सबके सामने जो है इस तरह से थोड़ी सी बेइज्जती हुई है. और सोशल मीडिया जैसे कि आज के लिए कितना ओपन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं. लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि यार वो जो जिसको भी आप लोग कुछ भी कह रहे हैं वो सोशल मीडिया को चलाने वाला भी एक इंसान है. अगर आप किसी को समझा रहे हैं तो कोशिश करें कि उसे प्राइवेटली जो है उसके इनबॉक्स में या इस तरह से उसको समझाएं कि उसको सबके सामने फील ना हो. हम लोगों ने क्या करना होता है कि कमेंट्स में जो है वो उसको धोना होता है, शेयरिंग में उसको धोना होता है. ऐसे ना किया करें क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं और सबसे पहले अल्लाह ताला ने भी हम सबको यही कहा है कि हम सबसे पहले जो है हुकूकुल इबाद है और उसके बाद हुकूकुल्लाह है. तो हुकूकुल इबाद पूरे करने के लिए अगर आप कोशिश करें कि किसी को कुछ समझाना है तो उसे सबके सामने नहीं. तनकीद बहुत अच्छी चीज है लेकिन अगर आपको किसी को तनकीद इस तरह से करें कि उसकी दिल लगारी ना हो. सो बहुत शुक्रिया अभिमान. ये एक छोटी सी बात थी जो आपके सबके साथ शेयर करनी थी. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड दिस इज योर होस्ट मुसद्दिक मुनीर. और आज एक दफा फिर से आप लोग कैश प्राइज के लिए खेलेंगे और डिफरेंट किस्म के शोज जो है वो आप सबके लिए लेके आते हैं हम लोग और Trivzia की टीम जो है वो डिजाइन करती है आप लोगों के लिए डिफरेंट किस्म के शोज जो है. तो इसी तरह से आप लोगों के लिए फ्यूचर में भी मैं कह सकता हूँ कि अक्सर बड़े जबरदस्त जो है वो शोज आने वाले हैं. तो आप लोग तैयार रहिए कि फ्यूचर में जो है वो डिफरेंट किस्म के शोज जो है वो आप लोगों को खेलने के लिए जरूर मिलेंगे. थैंक यू सो मच एवरीवन. बहुत शुक्रिया. कुछ बर्थडेज हैं उनको ऐड करते हैं उसके बाद आज का गेम शो शुरू करते हैं. सबसे पहले हमारे पास बर्थडे है राजा शेख शहादत कोर्ट वहां से ताल्लुक रखते हैं और उसके बाद बहादुर अहमद खान ये शहदादपुर से ताल्लुक रखते हैं. तो थैंक यू सो मच एवरीवन. आप दोनों को आपकी बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो. आप लोगों के चेहरों पर इसी तरह से स्माइल रहे, आप लोग खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और इसी तरह से जो है आप लोग पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे. मेरी तरफ से पूरी Trivzia की टीम की तरफ से आपको आपकी बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो. तो थैंक यू सो मच एवरीवन. बहुत शुक्रिया. आज का गेम शो शुरू करते हैं लेकिन आज का हमारा टोटल कैश प्राइज है कितना. लेट्स फाइंड आउट और देखते हैं कि आज का टोटल कितना कैश प्राइज आप सबका वेट कर रहा है. Yes, of course, everyone, 20,000 रुपीज के लिए खेलेंगे आप सब लोग और ये कैश प्राइज जो है वो सिर्फ और सिर्फ सारे जीतने वाले Trivzia का है, हर एक का नहीं है क्योंकि हमारे साथ पार्टिसिपेशन आज जो है अभी तक ऑलमोस्ट 17,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है. लेकिन जीतेंगे सिर्फ वही लोग जो आज के गेम शो को अपने नाम करेंगे. मतलब कि 10 क्वेश्चन के आंसर्स आप लोगों ने खुद देने हैं और Trivzia जो है आप लोगों के लिए डिफरेंट नए भी शोज प्लान कर रहा है, फ्यूचर में आते रहेंगे और आप लोग उसे डेफिनेटली इंजॉय करेंगे. गेम शोज जो है हमारा गेम शो जो है वो सारा सिर्फ आप लोगों के लिए होता है और इसमें क्वेश्चन होते हैं, नॉलेज होता है और नॉलेज से मुझे एक बात ध्यान में आती है कि हम लोग जो है वो ये गेम शो नॉलेज के लिए खेलते हैं. राइट, उसमें क्या होता है कि हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर को याद करने के बाद नॉलेज मेरे ख्याल में हमारी पहली प्रायोरिटी होती है.
है ना, पहली होती है मेरे ख्याल में, पहली प्रायोरिटी हमारी नॉलेज होती है और नॉलेज को ही रखें, क्योंकि कैश प्राइज वो तो एक छोटा सा इनाम होता है, बाकी जो मेन हमारा फोकस है इस गेम शो का, इस एप्लीकेशन का, आप लोगों को जमा करने का, वो ये है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हासिल कर सकें। तो आज एक दफा फिर से पूरे 10 सवाल आप लोगों से पूछने वाले हैं और उसके बाद जो है आप लोगों ने 10 क्वेश्चन के आंसर्स को लॉक करना है। एक सवाल भी अगर आप लोगों का गलत होता है तो आप लोग आउट हो जाएंगे, अगर आप लोगों के पास लाइफ लाइन है तो वो यूज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, अगर वो नहीं है तो आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करवाइए अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव को, ताकि आप लोगों के पास एक लाइफ लाइन आ जाए और अगर आप लोगों का जवाब कहीं भी गलत हो जाता है तो आप लोग जो है उस लाइफलाइन के थ्रू जो है वो आगे बढ़ सके। हमारे लास्ट क्वेश्चन पे लाइफलाइन यूज नहीं होती। अभी जो है मेरे ख्याल में बहुत जो है वो जबरदस्त तरीके के साथ हम अपने आज के गेम शो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला सवाल जो है वो आप सबकी स्क्रीन पे क्या आता है। इनमें से कौन सा दिन मई के महीने में मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर डे, पाकिस्तान डे, पाकिस्तान डिफेंस डे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने चेहरों पे स्माइल हमेशा आप लोगों ने खुद रखनी है। और मैं तो अक्सर यही कहता हूं कि आप लोग जो है एक दूसरे का ख्याल रखें, जो भी आप लोगों के साथ होते हैं, जिनसे भी आपका वास्ता पड़ता है, इवन के चलते हुए, बैठते हुए, रोड पे गुजरते हुए, मार्केट में जाते हुए, वेयर एवर यू गो आप लोगों के सामने कोई भी अगर आता है तो उसका ख्याल रखें और इखलाक के साथ जो है वो पेश आए, क्योंकि इखलाक एक वाहद ऐसी चीज है जिसके बारे में जो है वो अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक अगर आप किसी के साथ इखलाक से बात करेंगे तो हुकूकली बात पूरे करने में कोई देर नहीं होगी, तो हुकूकली बात सबसे पहले है, उसके बाद हुकूकुल्ला है। तो एक दूसरे का ख्याल क्या करें और देखते हैं कि हमारे आज के पहले सवाल का सही जवाब क्या है और कितने लोग जो है वो अभी आगे पढ़ेंगे हमारे पहले सवाल को राइट लॉक करने के बाद। एंड द राइट आंसर इज ऑफ कोर्स इंटरनेशनल लेबर डे, जो है जो कि मई को मनाया जाता है, आपको बिल्कुल मालूम है कि 1 मई को, और इससे रिलेटेड जो है हम लोग क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं। 16,276 लोगों ने राइट आंसर का सेलेक्ट किया और आज के गेम शो में आगे बढ़ने की जो है वो कदम आप लोगों ने शामिल कर दिया है और बस अपने इन्हीं कदमों को जो है वो आप लोगों ने 10 सवालों तक लेके जाना है और उसके बाद जो है आज के कैश प्राइज को अपने नाम करना है। पहला सवाल आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला है, बढ़ते हैं अभी हम अपने आज के दूसरे सवाल की तरफ। इनमें से मौसम गर्मा का खास फल कौन सा है? केला, तरबूज, सेब। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। और इस तरह से आज का दूसरा सवाल आप सबकी स्क्रीन पे आ चुका था, कौन सा जो है वो खास फल है गर्मियों का और आज कल जूस भी हो रहा है माशाल्लाह। वैसे तो भी हमारे पाकिस्तान के जितने भी फल हैं उनमें से कुछ ही ऐसे फल रह चुके हैं जो कि खास गर्मियों में आते हैं या खास सर्दियों में आते हैं, उसके अलावा बाकी पूरे साल चलने वाले फल जो है वो बिल्कुल हो चुके हैं, जैसे कि केला दोनों सीजन में चलता है, उसके बाद सेब भी आप लोग देखते हैं कि वो गर्मियों में भी होते हैं, सर्दियों में भी होते हैं। रैप इसे इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन जाता है? सिर्फ एक ऑप्शन रह जाता है और वो मेरे ख्याल में आप लोगों ने सही लॉक भी कर दिया होगा। जितने तो पाकिस्तानी हैं उनको मालूम है कि गर्मियों में जो है वो क्या होता है कि हम लोगों ने ला के बाजार से परचेज करने के बाद जो है वो, और स्पेशली कुछ फ्रेंड्स जब हम हॉस्टल में होते थे तो हम लोगों ने एक ट्रे में डालने के बाद जो है बर्फ उसमें डालते थे, कट करके डालते थे और नमक डालते थे, फिर उसके बाद इसको एंजॉय करते थे। वो फल था कौन सा? यस ऑफ कोर्स एवरीवन, दैट इज मेरे ख्याल में हमें राइट आंसर की तरफ बढ़ना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स एवरीवन, तरबूज इज द राइट आंसर। 16,421 लोगों को बिल्कुल मालूम है कि तरबूज जो है वो गर्मियों का खास फल है। केला और सेब भी कहा कुछ लोगों ने, 300 से ज्यादा लोगों ने केला कहा और 200 से ज्यादा लोगों ने सेब को सेलेक्ट किया, लेकिन जो खास फल है गर्मियों का वो तरबूज है जो कि गर्मियों में आता है। और हम लोग जैसे कि मैंने पहले बताया कि बर्फ सिर्फ डाल के, अभी वो सीजन बिल्कुल शुरू हो चुका होगा, आप लोग भी इसे इंजॉय कर रहे होंगे और अभी अफ्तारी में भी जो है आप लोग डेफिनेटली इंजॉय करते हैं। अभी हम बढ़ते हैं हमारे आज के तीसरे सवाल की तरफ। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन कमिंग ऑन योर स्क्रीन। पाकिस्तान का मशहूर शहर सरगोधा किस सूबे में वाकई है? सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान। ऑलराइट एवरीवन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इसी तरह से आप लोगों ने आगे बढ़ते जा रहा है। 18,000 लोगों ने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया, कुछ लोग काफी लेट आए। भाई लेट क्यों आते हैं आप लोग? हम लोग वक्त के पाबंद क्यों नहीं है? हमें होना चाहिए। और मेरी
तरह से अपने वक्त को जो है वो मद्देनजर रखते होंगे। और उस टाइम का मतलब ये है कि अगर आपने किसी को 11 बजे का टाइम दिया है ना शो पे आने के लिए, तो 11 का मतलब है 11, ना कि 11:05, 11:07, 11:08, ऐसे नहीं बोल सके। 11 का मतलब 11, मतलब अगर आप किसी को कोई टाइम देते हैं तो अपने वक्त की पाबंदी करें। और जब हम लोग वक्त की पाबंदी करना शुरू हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में वो दिन दूर नहीं है जब कोई भी ये नहीं कह सकेगा आपको कि यार वो तो टाइम पे आते नहीं, मैं आता हूँ। हर एक जो है वो टाइम पे आना शुरू होगा। ये छोटी छोटी चीजें जब हम लोग इस पे फोकस करेंगे तो हमारा पाकिस्तान कैसे तरक्की नहीं करेगा। अभी हम देखते हैं कि हमारे तीसरे सवाल का सही जवाब क्या है और कितने लोगों ने राइट आंसर को सिलेक्ट किया। एंड द वायर एज इज ऑफ कोर्स लेडीज एंड जेंटलमैन, पंजाब में जो है कि बिल्कुल वाकई है, सरगोधा हमारे पंजाब में वाकई है। 15,587 लोगों को बिल्कुल मालूम है सिंध और बलोचिस्तान, काफी लोगों ने कहा। सरगोधा एक बहुत मशहूर शहर है और वहां के आप लोग कह सकते हैं माल्टे और किन्नू बहुत मशहूर है, और सरगोधा के माल्टे तो बहुत मशहूर है। और ये फैसलाबाद के साथ ही, फैसलाबाद से 100 किलोमीटर के फासले पे है। अगर हम लाहौर से जाएं तो ऑलमोस्ट 120 या 130 किलोमीटर के फासले पे है। तो सरगोधा एक बहुत मशहूर शहर है और ये पंजाब में है। अभी हम बढ़ेंगे हमारे आज के चौथे सवाल की तरफ। इनमें से क्या चीज ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल होती है? दस, पानी, सोना। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। और ट्रिविजिया पे आप लोग मेरे ख्याल में नॉलेज के लिए आते हैं, और नॉलेज जो है वो हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद हमारी सेकंड प्रायोरिटी जो है वो विनिंग होनी चाहिए। जीतना जो है वो लाइफ में बहुत जरूरी होता है, और जब आपको आदत पड़ जाती है जीतने की तो आप किसी भी चीज को आसानी से जीत सकते हैं। कुछ चीजों को जीतने के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, कुछ चीजों को जीतने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कुछ चीजें जो है आप लोग आसानी से जीत जाते हैं। जैसे कि 9वें सवाल तक आप लोग मेहनत से गए होते हैं, 10वां सवाल आपको मालूम नहीं होता लेकिन आपका तुक्का चल जाता है, तो उसका मतलब है आप लोग वो इजीली जीत जाते हैं। आपको मालूम नहीं होता लेकिन फिर भी आप जीत जाते हैं, तो वो जीतना जो है बड़ी आसानी से हो जाता है। लेकिन 9वें सवाल तक जाना बहुत मुश्किल होता है। 9वें सवाल तक जाने के लिए आपको बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ती है, सारे क्वेश्चन को लॉक करना पड़ता है, तो वो मेहनत के साथ जो है वो जीत होती है। बढ़ते हमारे आज के चौथे सवाल के सही जवाब की तरफ। एंड व्हाट इज द राइट आंसर, लेट्स फाइंड आउट। एंड द राइट आंसर इज दरख्त इज द राइट आंसर। ऑफ कोर्स जो दरख्त है वो ईंधन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। 11,872 लोगों ने राइट आंसर को सेलेक्ट किया। यार काफी लोग यहाँ पे मेरे ख्याल में आप लोग कंफ्यूज हो चुके थे, कोई ऐसी बात नहीं है। लाइफलाइन अगर तो आप लोगों के पास है, आप लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग देखेंगे कि आज हमारे पास टोटल कितने विनर्स रहते हैं, क्योंकि देखिए ना 18,000 लोग जो है हमें यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं। एंड तक हमारे पास टोटल कितने विनर्स रहते हैं ये हम लोग डेफिनेटली देखेंगे। अभी हम बढ़ते हैं हमारे आज के पांचवें सवाल की तरफ। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज फिफ्थ क्वेश्चन कमिंग योर वे। शाह फैसल मस्जिद का नाम किस मुल्क के हुक्मरान से मंसूब है? अफगानिस्तान, फलस्तीन, सऊदी अरब। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि आप लोग खेलें, इंजॉय करें, और आप लोगों के चेहरों पे जो स्माइल है वो बरकरार रहे, वो होनी भी चाहिए। और वो स्माइल जो है वो हमेशा जब आप लोगों के चेहरों पे रहेगी तो हम लोगों को भी खुशी होती है कि हमारे पाकिस्तान के इतने जबरदस्त लोग जो है वो आते हैं हमारे पास। और हमें समटाइम्स बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारे पास ये जो लोग खेल रहे हैं 18,000 लोगों में से, आप लोगों को बताते चलो कि इनमें डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, इनमें से प्रोफेसर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स भी हैं, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स भी हैं, उसके बाद कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी हैं, उसके बाद स्कूल के स्टूडेंट्स भी हैं, इवन के किड्स भी हैं। आप लोग कह सकते हैं कि ये हमारी ट्रिविजिया की फैमिली है और हमें अपनी फैमिली से बहुत प्यार है। आप सब जो है हमें बहुत अजीज है। हम लोग जो है वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब कोई भी आप लोगों को कुछ भी कहता है, कोई भी, हम लोग जरा बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो ये हमारी ट्रिविजिया की 18,000 की आज फैमिली है। नॉर्मली हमारे पास 25,000 तक, 21,000 तक लोग होते हैं, तो ये जो 18,000 की आज फैमिली है, आप सब हमें बहुत अजीज है। अभी हम बढ़ते हैं हमारे आज के पांचवे सवाल के जवाब की तरफ। व्हाट इज द राइट आंसर, लेट्स फाइंड आउट। And the right answer is Saudi Arab is the right answer. 12,224 लोगों ने right answer को select किया। जी बिल्कुल, शाह फैसल मस्जिद का नाम जो है वो सऊदी अरब के हुक्मरान से मंसूब है। सऊदी अरब के हुक्मरान शाह फैसल, उन्हीं के नाम पे ये मंसूब है, शाह फैसल मस्जिद। और आप लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके के साथ आज की आधी स्टेज को पार कर लिया। अभी बस अगले पांच सवालों के जवाब दे रहे हैं और आज का 20,000 का कैश प्राइज आप लोगों ने अपने नाम करना है, और वो नाम करने से आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता अगर आप 10वें सवाल के जवाब को सही लॉक करते हैं। लेट्स फाइंड आउट लेडीज एंड जेंटलमैन कि हमारा आज का छठा सवाल क्या है। मशहूर मुसन्निफ स्टैनले वुल्पर्ट ने किस पाकिस्तानी शख्सियत पर किताब लिखी? कायदे आजम, लियाकत अली खान, बेस की हुई।
थैंक यू सो मच एवरीवन. स्टैनले वुल्फर्ट एक बहुत बड़े मुसन्निफ हैं और इनको जो है आप लोगों को बताते चलूंगे, इनको बहुत से एजाजात भी जो है इनसे एजाजात से नवाजा गया है इनको, और बहुत जबरदस्त मुसन्निफ है. और इन्होंने हमारे पाकिस्तान के ये जो तीन ऑप्शन में थे, इनमें से एक ऑप्शन पे जो है हमारे एक लेजेंड पे इन्होंने बुक लिखी थी, और उस बुक को जो है बेस्ट बायोग्राफी जो है वो कहा गया था. वो उस दौर में कहा गया था कि ये जो बेस्ट बायोग्राफी है वो इसी बुक की है, और ये जो बुक है ये 1982 में लिखी गई थी. आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस ऑफ कोर्स 1982 में जो है ये इनकी बुक लिखी गई थी. लेकिन किन पे लिखी गई थी ये आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, आप लोगों ने बताना है. और ये आप लोग सॉरी 1984 में लिखी गई थी, यस 1984 में लिखी गई थी, और ये आप लोगों ने बताना है कि वो बुक क्या थी. बुक का नाम है आपको बताता हूं, उसके बाद ऑप्शन पे बढ़ते हैं. दिना ऑफ पाकिस्तान 1984 में स्टैनले वुल्फर्ट ने लिखा था, और आप लोगों ने राइट आंसर को तय किया. कायदे आजम इज द राइट आंसर. 7,853 लोगों ने राइट आंसर को सेलेक्ट किया. बेनजीर भुट्टो कहा 30,000 से ज्यादा लोगों ने. लेकिन आपको फिर से बताते जरूर, दिना ऑफ पाकिस्तान बुक का नेम था, 1984 में लिखी गई थी, और ये स्टैनले वुल्फर्ट ये जो मुसन्निफ है इन्होंने लिखी थी. और इसके बाद जो है अभी हम यहां तक पहुंच चुके हैं, आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद हम ये देखेंगे कि सातवां सवाल जो है वो आप सबका वेट क्या कर रहे हैं. इंग्लैंड के किस वजीर आजम को पार्लियामेंट के अहाते में कत्ल कर दिया गया था? स्पेंसर पर्सिवल, रॉबर्ट वॉल्पोल, एंड्री पेल. एक बड़ा अजीब सा, और आप लोग कह सकते हैं मजेदार सा वाक्य हुआ था, मजेदार तो नहीं कह सकते, एक अजीब सा वाक्य हुआ था. उस टाइम क्या हुआ था कि ब्रिटिश, एक ब्रिटिश जो है वो सिटीजन था, वो गया हुआ था रशिया में, और रशिया में जो है वो उसको जो है वो जेल हो गई थी किसी वजह से, और वो उसको जो जेल हुई थी वो आप कह सकते हैं कि उसने कोई जुर्म भी नहीं किया था, और उसको जो है वो जेल हो चुकी थी. तो 5 साल उसने जब जेल काटी, उसके बाद जब वो वापिस जो है वो ब्रिटिश में आया, मतलब इंग्लैंड में आया, तो वहां पे पार्लियामेंट में उसने जो है इस वजीर आजम को जो है वो कत्ल कर दिया था. ना वो कोई डाकू था, ना वो कोई चोर था, उसका ये करने का मकसद सिर्फ इतना था. और उसने एंड पे ये कहा कि मैंने ये इसलिए किया कि मेरे ख्याल में इसे जो है वो वजीर आजम बनने का हक नहीं पहुंचता, क्योंकि मैं वहां पे, मतलब आप कह सकते हैं ना कि ऐसे ही जेल काट गया, अपने 5 साल जिंदगी के काट गया, और इसने मेरी कोई जो है ब्रिटिश एम्बेसी ने मेरी कोई मदद नहीं की, तो इसको जो है वजीर आजम बनने का कोई शौक नहीं है. तो उसने जो है पार्लियामेंट के अहाते में इसको कत्ल कर दिया था. किसको कत्ल किया था ये आप लोगों ने सेलेक्ट करना है. लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज स्पेंसर पर्सिवल. 3,195 लोगों ने राइट आंसर को सेलेक्ट किया, और ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं कि 6,000 लोगों ने सेकंड और थर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट किया. और मेरे ख्याल में ये हमारा आज का पहला वर्ल्ड के रख देने वाला सवाल हुआ है ये आप लोगों. कोई ऐसी बात नहीं है, ये हमारी गेम का हिस्सा है, और हमारी इस गेम के हिस्से को आप लोग भी काफी इंजॉय करते हैं. मैं एक शो में गया था, वहां पे मुझे लोगों ने कहा कि हमें जो है वो मुसद्दिक भाई, हमें जो है ना जब शो पे आता है ना वर्ड के रख देने वाला सीन, वो हमारा फेवरेट सीन होता है, मतलब हमारा वो बड़ा मजे के सीन होता है. तो मतलब ये भी काफी लोग इंजॉय करते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है. अच्छा, यहाँ पे जो लोग तो पहले आउट हो जाते हैं ना, वो तो इसको बड़े जबरदस्त तरीके से ऐसे देख रहे थे, ये लोग बर्थडे गए ना, काफी लोग जो है यहाँ पे कैसे होंगे. कोई ऐसी बात नहीं है, देखिए ना ये सारा गेम शो जो है वो आपका है, और आप लोग इसे खेलते हैं, आप लोग इसे जो है इंजॉय करते हैं. अभी हम बढ़ते हैं हमारे आज के 8वें सवाल की तरफ. लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज 8 क्वेश्चन. पाकिस्तानी 50 रुपए के पुराने नोट पर किस इमारत की तस्वीर थी? बादशाही मस्जिद, किला लाहौर, बाबे खैबर. थैंक यू सो मच. पुराने नोट की यहां पे बात हुई, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं हो रहा, नए नोट की बात नहीं हो रही, पुराने नोट पे किसकी जो है वो तस्वीर थी ये आप लोगों ने सेलेक्ट करना था. और तीनों ऑप्शन जो है वो आपकी स्क्रीन पे थे. यहाँ पे आने के बाद जो है काफी लोग जब यहाँ पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद जो है उनके दिल की धड़कनें जो है वो तेज हो जाती है. और वैसे भी जब हम किसी भी क्वेश्चन को, स्पेशली जब हम किसी क्वेश्चन के आंसर को तुक्का लगाते हैं ना, मतलब हमें पता नहीं होता, वैसे सेलेक्ट कर देते हैं, तब तो हमारे दिल की धड़कन जो है वो और तेज होती है. हमारी सांसों में सांस तब आता है जब हमारा वो तुक्का बिल्कुल ठीक हो जाता है ना, ऐसे होता है ना, बिल्कुल होता है. क्योंकि ये सारी चीजें जो है आपको कहीं और नहीं मिलेगी, ये आपको सिर्फ उसे मिलेंगे ट्रिविजिया को, रोजाना रात के 11 बजे, जब तक रमजान है, रमजान में पूरे 11 बजे जो है आप लोगों को ये सारी चीजें मिलेंगी. आप लोगों को हंसना भी मिलेगा, आप लोगों को खेलना भी मिलेगा, आप लोगों को क्वेश्चन भी मिलेंगे. अभी हम बढ़ते हैं हमारे 8वें सवाल के जवाब की तरफ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. एंड द वाइड आंसर इज ऑफ कोर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, किला लाहौर इज द राइट आंसर. 703 लोगों ने राइट आंसर को सिलेक्ट किया.
और ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि 4000 से ज्यादा लोग जो है वो गलत आंसर को लॉक कर बैठे, यानी कि हमारा दूसरा वर्ड के रख देने वाला सवाल हुआ यहाँ पे। ओह माय गॉड, किला लाहौर हमारे लाहौर में है और फोर्ट लाहौर आप लोग बिल्कुल इसे जानते होंगे, और ये उसकी तस्वीर होती थी 50 रुपए के पुराने नोट पे, और मेरे ख्याल में काफी लोग अभी अपनी लाइफ लाइन को गवा चुके हैं। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, जो लोग तो अभी आगे बढ़ेंगे वो लोग बड़े जबरदस्त तरीके के साथ पॉजिटिव रहे, कुछ लोग वापिस आ जाएंगे गेम में जिनके पास लाइफ लाइन होगी, और इस तरह से हम लोग अभी देखेंगे कि 9वें सवाल को कितने लोग सही सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद हमें ये पता चलेगा कि 9वें सवाल में कितने लोग जो है एंड पे जाने वाले और आज का गेम शो जीतने वाले। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज नाइस क्वेश्चन। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पहली टेस्ट विकेट कब हासिल की थी, पहले टेस्ट में, दूसरे टेस्ट में, तीसरे टेस्ट में? जी बिल्कुल, यहाँ पे बात हो रही है पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, और क्वेश्चन ये था कि उन्होंने पहली विकेट कब हासिल की थी टेस्ट मैच में। ये आप लोगों ने बताना है, आप लोगों ने सेलेक्ट करना है और आप लोगों को मालूम भी होगा। चले मैं थोड़ा सा बताना शुरू करता हूँ। 1971 में इन्होंने अपना पहला टेस्ट डेब्यू जो है वो शुरू किया था, इंग्लैंड के साथ जो है वो शुरू किया था, और उस 1971 में इन्हें कोई विकेट हासिल नहीं हुई थी, मतलब इन्होंने कोई विकेट तब जो है वो हासिल नहीं की थी पूरे 1971 में। उसके बाद जो है जो दूसरा टेस्ट जो है वो सीरीज शुरू हुई थी वो हुई थी 1974 में, और वो दोबारा से फिर से इंग्लैंड के साथ ही थी, और तब जो है मेरे ख्याल में, अभी हम राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं उसके बाद मैं आगे यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा। द राइट आंसर इज ऑफ कोर्स लेडीज एंड जेंटलमैन, दूसरे टेस्ट में द राइट आंसर। ये सबको 286 लोगों ने राइट आंसर को सेलेक्ट किया, और ऑलमोस्ट 600 लोगों ने जो है हमारे पहले और तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट किया जो कि गलत था। आप लोगों को पहले बताया कि 1971 में जो पहला इन्होंने टेस्ट डेब्यू शुरू किया था तब इनकी जो है वो कोई विकेट जो है नहीं मिली थी, लेकिन 1974 में जब इन्होंने दूसरी दफा टेस्ट मैच में इन्होंने जो है वो शमूलियत इख्तियार की थी उसके बाद जो है इन्होंने तब विकेट हासिल की थी, और ये हमारा राइट ऑप्शन था, राइट आंसर था। वर्ड के रख देने वाला सीन मेरे ख्याल में हो चुके, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, हम बढ़ेंगे हमारे आज के 10वें सवाल की तरफ। विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। यहां तक जो लोग भी पहुंच चुके हैं उन लोगों को मैं यही कहूंगा कि आप लोगों ने अभी बिल्कुल नहीं घबराना, आज के कैश प्राइज को अपने नाम करना है, तैयार हो जाइए क्योंकि अभी आने वाला है 10वां सवाल आप सबकी स्क्रीन पे। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज 10th क्वेश्चन। इनमें से कौन सा तारीखी वाकया सबसे पहले रोनुमा हुआ, इंकलाब रूस, इंकलाब फ्रांस, अमरीका की जंगे आजादी? थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। और कैसे जो है हमारे टोटल 20 मिनट जो है वो गुजर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, और आप लोग बड़े जबरदस्त तरीके के साथ हर रोज आते हैं, हर रोज खेलते हैं, हर रोज एंजॉय करते हैं, और हम लोग जो है मैंने जैसे कि पहले कहा कि जब ट्रिविजिया शुरू होता है तो तब जो है वो खेलना शुरू होता है, सवाल शुरू होता है, नॉलेज शुरू होता है, हंसना शुरू होता है, एक दूसरे को जो है वो पूछना शुरू होता है, और घर में जो बड़े होते हैं जब क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आता है, जब हमें पता चल जाता है ना कि एक क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे नहीं आता, तो हमारे ही ग्रुप में एक बंदा चीखना शुरू हो जाता है, इसका जवाब क्या, इसका जवाब क्या, तो ये सारा कुछ जो है वो पूरे 11 बजे शुरू होता है और ट्रिविजिया पे होता है, क्योंकि ट्रिविजिया पाकिस्तान का पहला गेम शो जो है जो पूरे पाकिस्तान से कनेक्टेड है, ऑल ओवर द पाकिस्तान इतने जबरदस्त लोग जो है हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, और आप लोगों की वजह से हम लोग भी यहाँ पे आके आप लोगों से बात करने का मौका हासिल होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते हैं कि हमारे आज के 10वें सवाल का सही जवाब क्या है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ आवर 10th क्वेश्चन। अमेरिका की जंगे आजादी इज द राइट आंसर। 149 लोगों ने आज के कैश प्राइज को 20,000 को अपने नाम किया है, और आज का कैश प्राइज 134 इक्वली जो है उन सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। आप सबको बताता चलूं उनमें से कुछ नाम ऐड किए थे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मलिक जाहिद है, MSA 96, आफ्ताब कुरैशी, बख्तावर, उसके बाद शहजाद अजीम, जुबैर, और उसके बाद मिन्हा, उसके बाद अशद सलीम, सुलेमान, उसके बाद जो है असनाद, जैनब, एसन, दफिकार, और उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि दानियात, आतिफ, मोहसिन, और आज के इस तरह से टोटल 149 लोगों ने आज के कैश, मतलब 20,000 को अपने नाम किया, 134 रुपीज। आप सबको बहुत 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 मुबारक हो, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। कल दोबारा फिर ठीक 11 बजे आप सबसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, एंड वन थिंग मोर, डोंट फॉरगेट टू लाइक माय फेसबुक पेज एंड फॉलो मी इंस्टाग्राम एज वेल, मुसद्दिक ऑफिशियल। उससे क्या होता है कि मैं आप लोगों से जुड़ा रहूंगा, समटाइम्स कुछ भी होता है ना तो मुझे पता होगा कि ये ट्रिविजिया वाले लोग हैं, बचा लेंगे मुझे ना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और मेरे ख्याल में हलवा जो है मेरे ख्याल में यहाँ पे ओके, कोई ऐसी बात नहीं है। बढ़ते हैं आप सबको अल्लाह हाफिज कहने के लिए, और कल जो है दोबारा आप सबसे 11 बजे मिलेंगे। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।